लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तुझको पाने की हसरत मिटा नहीं सकता, ये इंतजार की शमा बुझा नहीं सकता। जमाना कह रहा कि अब तू आ नहीं सकती, मुझे यकीन जमाने पे आ नहीं सकता। हर एक सांस में खुशबू तेरी है सोना, किसी और से ये रिश्ता बना नहीं सकता। मैं तुझको पाने की हसरत मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। हेलो दीदी, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। फ्लाइट आ गई? हाँ फ्लाइट आ गई है। तो सिंगापुर आ जा। हाँ दीदी, मैं भी इंडिया में रहना नहीं चाहता, यहाँ पे इतना कर्जा हो गया है कि उसे चुका नहीं सकता। बस इनकी बेटी को पटा के उससे शादी करके मैं भी सिंगापुर पहुँचता हूँ। अब तुम्हारा भाई इतना भी गया गुजरा नहीं है कि एक लड़की ना पटा सके। खूबसूरत है क्या? लड़की खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है दीदी, लगता है वो लोग आ गए। मैं बाद में फोन करता हूँ। मिसेस लिली चौबे, मिस्टर चौबे, राइट? क्या है बे? यू आर विकी? यस, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। क्यों लेने आया है? न जान न पहचान लेने आया हूँ। क्या कर रहे हो? वो मेरी सहेली है ना शीला, सिंगापुर में। ये उसका भाई है, ये मेरे हस्बैंड मिस्टर चौबे, और ये मेरी बेटी मधु। हेलो दीदी ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को लेने आ गया। लेने आया था ना, अब जाओ। ये बड़े प्यार से लेने आया है। तो क्या करूं, चूमूं? अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए होटल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। चाय के लिए? हम लोग बनारस के लिए नहीं, नहीं हमारा घर है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ, इस बहाने घर देख लोगे। अरे वाह दीनू काका, वाह, क्या सजा के साफ सुथरा रखा है मकान को, बहुत बढ़िया। आपकी अमानत है बाबूजी, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बहुत खूब। अच्छा वो अंकल, आपने ये बंगला तब नहीं बेचा, बनारस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए, आप बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। क्यों आंटी लिली? राइट यू आर विकी, ठीक ही तो कह रहा है, अब हमारा इंडिया से वास्ता ही क्या है, इसे बेचकर चलते बनो। अरे अभी इस घर में कदम रखा नहीं, बेचने की बात पहले ही कर रही हो, समझा अपनी माँ को यार। रियली मम्मी, इट्स सो ब्यूटीफुल, मकान बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने गाँव चलेंगे। तो ये क्या शहर है, मुझे गाँव वाँव नहीं जाना। ऐसी बात करती हो, इस धरती पर कदम रखते ही मुझे अपने गांव की याद आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ बाहें फैलाकर मुझे बुला रही हो कि आजा बेटा आजा। You Indians are emotional fools. चलो ना मामा, मुझे भी गांव देखना है, हिंदी फिल्म्स में बहुत देखा है, वहाँ खेत हरियाली सच बहुत अच्छा लगता है, चलो ना प्लीज। ओके बेबी, तुम कहती हो तो मैं चलूंगी, मगर ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अरे तुम चलो तो सही, जब देखो ना 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 करती रहती, हमेशा ना अच्छा थोड़ी होता, सेहत खराब हो जाती है। पान का एक बीड़ा खिला दो फिर, पान का एक बीड़ा खिला दो फिर, चाल देखो बनारसी बाबू के। पान का एक बीड़ा खिला दो फिर, चाल देखो बनारसी बाबू। हाँ इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा दर्द मिला दो फिर, चाल देखो बनारस बाबू की। हाँ का एक पीड़ा खिला दो फिर, चाल देखो बनारस बाबू की, चाल देखो बनारस बाबू के। Oh, 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 oh,
प्याले रसीले रसीले होठों के प्याले हाय होठों के प्याले रसीले रसीले नैना तुम्हारे नशीले नशीले गोरी पतली कमर तुम हिला दो फिर गोरी पतली कमर तुम हिला दो फिर चाल देखो बनारसी बाबू के पान का एक पीड़ा खिला दो फिर चाल देखो बनारसी बाबू की चाल देखो बनारसी बाबू की चाल देखो बनारसी बाबू की बनारसी बाबू ये चाल देखो बनारसी बाबू की देखो बनारसी बाबू की ये चाल देखो बनारसी बाबू की चाल देखो बनारसी बाबू की अरे व्हाट नॉनसेंस की अरे बहुत माफी चाहते हैं क्या है कि आपका धक्का लग गया ना इसलिए हम छलक के दिस साइड हो गए क्या बात है आप लोग शहर का रास्ता भूलकर गांव की तरफ कैसे नहीं नहीं गलती से नहीं हम जानबूझ के यहाँ आए हम इसी गांव के रहने वाले हैं अच्छा हम तो अरे चौबे चाचा हैं ये लो आप ही हो हमारे चौबे चाचा अरे बचपन में हमको स्टोरी सुनाती थी कि हमारे कोई चाचा भाग कर सिंगापुर चले गए वही हो आप चला चाचा के साथ साथ चाची के दर्शन भी हो गए क्या बात है नकवा पे रुमाल का है दबाए लगता है इनका नाक बह रहा है तुम्हारे गांव की सड़ी हुई बदबू और सूखी सूखी धूल से बचने के लिए अरे पूरे वर्ल्ड के बानर यहाँ पर शुद्ध हवा खाने आते हैं और अपना सर मुंडा मुंडा कर गंगा जी में गोता लगाते हैं और इनका बदबू आ रही है लगता है आंटी का एंटीना खराब है मुझे तो तुम्हारी बात समझ में आती है मगर तुम्हारी चाची की हलक से नहीं उतर रही है ये हलक हलक क्या लगा रखा वैसे मेरी बेटी को तुम्हारा गांव बहुत पसंद है अरे तो हम लोग को भी आपकी बेटी बहुत पसंद है व्हाट ए वंचला चलो यार इनको मां से मिला हम जाके खेत पे काम कराते नहीं तेरी मां से हम मिल लेते हैं तुम जरा बिटिया को गांव दिखा दो ना हां तो गांव का नहीं दिखाएंगे बच्चा ए तेरा नाम का है वंचला इनको चलाओ ना कहा है कि हम इस गांव के सरपंच है ना इसीलिए हमारी नमस्कार देख रही हैं आप इस गांव में बहुत इज्जत है कभी कभी कोई बदतमीजी करता है उसको हम ऐसे ही संभाल लेते हैं ये हरियाली जो देख रही है ना सब गंगा मैया की कृपा ठीक है अरे अबे बहुत भिटक रहा है अरे 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 एक बात और बताना भूल गए ऊंच जमीन देख रही है ना आप हाँ ये हिया से लेकर हुआ तक सारी जमीन हमारी और वो जो झील देख रही है ना आप उसके परली तरफ की भी सारी जमीन हमारी है इस तरफ सरसों के खेत उधर गेहूं के खेत ओ, तब तो तुम्हें सारे वेजिटेबल्स एकदम ताजा मिलते होंगे अरे एकदम शुद्ध और ताजा के गोपी भैया गोपी भैया गोपी भैया गोपी भैया हमें बचा लीजिए गोपी भैया अरे चपनवा चिपक जा गोपी के छतिया मार ए चपनडुक बात का है गोपी भैया ये गौरी है ना रोज अपने जानवर हमारे खेत में भेज देता है चरने के लिए जब हमने इसे मना किया तो धमकाता है और देखिए हमने इसके जानवर निकाले तो मारने आ रहा है क्यों बे कनकट
तुमको किसान की मेहनत की परवाह नहीं है? ये लोग इतना परिश्रम करके फसल उगाते हैं, तुम चरने भेज देते हो? ए गोपी, ये क्यों हमारे बीच में ना पड़ा समझो तू? हमारे जानवर तुहार खेत में नजर आवेंगे। खुश गोपी को धमकी? अरे तुम्हारे जानवर तो जब आएंगे तब आएंगे, मगर एक जानवर तो हमको दिखाई दे रहा है। अरे चल तेरे भास का तब रहा है। अबे अबे अरे 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 मधुबाला, अरे हट तो ऐसे की तैसी, अरे हट। अरे ओ मधुबाला, अरे कहां तूफान की तरफ ले जा रही हो? अरे संभल के रे, अरे कोई पकड़ो यार, कहां हो रहा यार? अरे 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 इसकी ऐसी की तैसी इज्जत चली गई यार। अरे अरे मधुबाला क्या कर दिया ये सब? अरे ठीक तो हो? अरे मधुबाला गांव की इज्जत चलेगी। चलो ये देखो क्या हो गया, ये तंग कपड़े पहने ना इसलिए घोड़ा भी दग गया। ये हमारे कपड़े का फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे घोड़े का फॉल्ट है। ओए हमारे घोड़े को दोष मत दो, इतना तंग कपड़ा पहनोगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हिल जाएंगे। ये तो बेचारा मामूली घोड़ा है। हाँ, अब ये कपड़ा कैसे साफ होगा, ऊपर से इतनी देर हो गई है। अच्छा ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ी साड़ी पहने हुई हो। अरे एक मिनट में सूख जाएगा, रुमाल की तरह तो कपड़ा पहने हुई हो। उठा अरे उठा उठा अरे का यार ई का सिंगापुर जाते वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि वापसी में अपने दोस्त से कभी मुलाकात ही नहीं हो पाएगी, और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हम उसके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल भी ना हो सके। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है भाई साहब। आइए चाचा जी, नाश्ता कर लीजिए। आइए भाई साहब आइए। ये राधा है, अपने किशन मास्टर की बेटी। अच्छा, अरे कैसा है किशन वा? जी अच्छे हैं। घर का सारा काम यही संभालती है। अच्छा। यूं मान लीजिए मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है इसने। अरे जीती रहो बेटी। कभी अपनी बेटी को भी तो याद कर लो, इतनी देर हुई गई है अभी तक आई नहीं। चिंता की क्या बात है, गोपी है ना साथ में? इसी बात की तो चिंता है, गोपी है ना साथ में। अरे राधा जी आई। राधा रे उतारो ना मुझे। अरे तुम उतरो ना। हां उतारो ना। कैसी जा रही है, कितनी भारी है, जा ले के जा रहे। अरे ऐसे कैसे अंदर जा रही हो तुम? क्या होगा, क्या होगा, अंदर जाके धो लूंगी। अरे नहीं नहीं, हमारा घर मंदिर है भैया, पांव धो लो। अरे जूता उतार लो। ए राधा जी, अरे पानी ला रे। अभी लाई। धो लो धो लो। हाय मम्मी, हाय डैडी, ओह माय गॉड, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? वो मैं कीचड़ में गिर गई थी, गोपी ने मुझे गोदी में उठाकर बाहर निकाला। गोदी में उठाया? अरे वाह बेटी, कीचड़ में गिर गई तो झटका नहीं लगा, उसने गोद में उठा लिया तो करंट मार गया। डैडी गोपी की गांव में बहुत इज्जत है, सारा गांव गोपी को झुक झुक कर सलाम करता है, और जगह तो इतनी है पूरा सिंगापुर आ जाए। तू खाम खाम घूमने चली गई, इस खेड़े गांव में देखने लायक है ही क्या? क्या है, क्या है देखने लायक? अरे बड़ों के लिए इज्जत है जो दे रहा हूँ, मेहमान नवाजी है। हाँ हाँ देख ले तुम्हारी मेहमान नवाजी, मेरी फूल जैसी बेटी को कीचड़ में गिरा दिया। फूल जैसी बेटी, ये फूल है? इतनी भारी भरकम औलाद पैदा कर दी चाचा, ये बोलती है फूल है। अरे नजर मत लगा, उतार दे बेटी। क्या कर रहे हो, उतार इसे। ये कह रही है कि ये फूल है, ये फ्लावर पार्ट है। बहन जी अब आप खाना खा कर ही जाइए। ओह नो नो, आई डोंट लाइक इंडियन फूड। अरे चलिए ना। ए चाची गले मिलबू है? चुप इट, चुप इट। बाय गोपी। गोपी चल। आंटी देखिए और बताइए कि आपको यह हार कैसा लगा? वंडरफुल। मैंने यह हार स्पेशल कारीगरों से स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल मम्मी। मधु बेटी विक्की तुम्हारे लिए लाया है। थैंक यू। कैन आई वेयर इट? ऑफ कोर्स इट्स ऑल योर्स। मैं अभी आई। ओके आंटी मधु को हार तो पसंद आ गया है। हाँ बिल्कुल। विक्की बेटे हमारे यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दो और साथ में पंडित का भी बंदोबस्त कर दो, मैं तुम लोगों की शादी कल ही कर दूंगी। जैसी आपकी आज्ञा आंटी, चलता हूँ। जीते रहो। सुनो ये किसकी शादी की बात कर रही थी तुम? नो सुनो, कहानी खत्म हो गई और जनाब पूछ रहे हैं हीरो हीरोइन कौन थे। अपनी मधु बेटी की शादी विक्की के साथ। एक बात बताओ, ये मैं कौन हूँ? What a silly question. फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Oh, I see. तुम मेरे हस्बैंड मिस्टर चौबे और मधु के डैडी हो। चलो शुक्रिया, तुम्हें याद तो है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मधु का बाप हूँ,
तो क्या इस नाते मेरा इतना भी हक नहीं होता कि मुझसे सिर्फ पूछ ही लो कि तुम इसकी शादी कर रही हो? अरे बेकार में क्यों लाल पीले हो रहे हो, विक्की से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अपनी शीला का भाई है, इंडिया छोड़कर सिंगापुर चलने के लिए तैयार है। सिंगापुर जाने के लिए मोटा हलवाई भी तैयार है, उसे भी ले जाओ ना। ओफो, अब छोड़ो भी, मार्केट चलो, बहुत सारी खरीदारी करनी है। खुद ही जाके करो, जब ये कर रही हो तो मेरी क्या जरूरत है खरीदारी के लिए? व्हाई आर यू सल्किंग सो मच? सल्किंग गोपी बेटा, अब तेरा ही सहारा इस घर की डूबती नैया को बचाने का, प्लीज बेटा। देखिए चाची जी, लड़का पसंद कर चुकी है, अब फैसला हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तू समझता क्यों नहीं है बेटा, वो लड़का एक नंबर का याश है, बदमाश है, शराबी है। मैं जानबूझ के इस लड़के को अपनी लड़की कैसे दे दूं? हरी तो ये बात आप चाची जी को समझाइए ना। अरे उसकी अकल पे तो पत्थर पड़े हुए हैं। उठाई है? नहीं उठता। वो लड़का घर जमाई बनने वाला, उसी के लिए तो मरी जा रही है वो। देखिए अब जो लफड़ा होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता माँ। अरे ये रिश्ता तो आज हुआ है ना, मगर तेरा और मधु का रिश्ता तो उस जमाने हुआ था जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था। अभी न्यूज तो एकदम ताजी खबर है हमारे लिए, इससे पहले तो कोई बोला नहीं घर के अंदर ऐसा। अच्छा, विश्वास नहीं होता है? भाभी बताओ इसको। हाँ गोपी, तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि गोपी की शादी चौबे जी की बेटी से करो ताकि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। पिताजी ऐसा कहते थे, हमको क्या मालूम है। सुन लिया, अब विश्वास हुआ तो लड़की का बाप और लड़के की माँ दोनों तैयार है। तुम फैसला करते हो या जाओ मैं गांव का पंचायत में, तू हुआ के सरपंच हो, फैसला हम कराए। अरे बैठिए बैठिए ना, ऐसा काहे कर रहा है, हमको जरा सोचने दीजिए, समझने दीजिए। हां फैसला करेंगे, समझने दीजिए, जब तू सोचेगा समझेगा हुआ शादी हो जाएगी। ओम मित्र मंगल मंगल श्रीवाद साधु के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्या का मंगलसूत्र मंगाइए। जरा मंगलसूत्र देना तो राय का होगा। अब रे मंगलसूत्र कन्या को पहना। इस मंगलसूत्र पे केवल हमारा अधिकार। अबे सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, ज्यादा नहीं, काट डालेंगे तमंचा जेब में। हाँ। ए, क्या बकता है? तू है कौन और तुझे यहाँ बुलाया किसने? हमारा नाम है गोपी वल्ल गंगाधर, और हमको यहाँ पर बुलाया हमारे चाचा जी और हमारे बाबूजी के वचन ने, जो इन लोगों ने आज से 20 साल पहले डंडन डंडन किया था कि मधुबाला का ब्याह केवल गोपी के साथ होगा। और अगर गाँव वालों को कोई शक है तो चाचा जी से पूछ ले। कहाँ चाचा जी? चाचा जी। हाँ बेटा बोल बोल, क्या है? क्या आपने हमारे बाबूजी को वचन दिया था कि नहीं? ये सच है कि हम इसके पिताजी को वचन दिया था, लेकिन लेकिन क्या? अगर आपने वचन दिया था तो उसको निभाना आपका परम कर्तव्य है। What rubbish! 20 साल पहले दिए हुए वचन की कोई कीमत नहीं, उस वक्त तो मधु पैदा भी नहीं हुई थी, ये सब बेकार की बातें हैं। मंगलसूत्र वापस दो, वरना वरना क्या? पुलिस को बुलाऊंगी। अरे 40 कोस दूर से जब तक पुलिस आएगी तब तक हम अपना प्रोग्राम कर चुके होंगे। अरे हट जा जेब में हथियार। अरे गोभी बेटा रुक जाओ। रुक जा, क्या रोको ना। गोभी रुक जाओ, गोभी रुक जाओ। विकी बेटे। हाँ आंटी। डू समथिंग। आंटी डोंट वरी, मैं अभी मधु छुड़ा के लाता हूँ। हाँ, जल्दी करो प्लीज, गो सून। तू क्या समझ रहा था कि हमारे नाक के नीचे से लड़की को उड़ा के ले जाएगा? बॉयस क्या चेम? अरे हाथ में पकड़ लो उसके यार, तुम लोग हेलो बॉयज।
हे भगवान, भरे मंडप से दुल्हन को उठा लाया गोपी, अब इस बेचारी से शादी कौन करेगा? एक बार चिड़िया के बच्चे कोई हाथ लगा दे तो फिर वो वापस नहीं लेती अपने घोंसले में, और इससे कौन करेगा शादी? मेरा बेटा करेगा इससे शादी। क्यों मधु बेटी, करेगी ना मेरे बेटे से शादी? अरे भौजी, ज्यादा सोच विचार मत करो, हमारे गोपी भैया जैसा लड़का यहाँ से लेकर विदेश तक कहीं नहीं मिलेगा। अरे शादी के लिए हाँ कर दो, रानियों जैसा राज करोगी? हाँ हाँ, 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 अरे क्या तुम लोग हड़बड़ा के बड़बड़ाए जा रही हो? ये ठहरी विलायत की मैम, हम ठहरे गांव के गवार, कभी पूरब पश्चिम का मेल हुआ है पहले जो आज हो जाएगा? गोपी, असली मेल तो दिल का होते हैं, जब दिल मिल जाते हैं सब मिल जाते हैं। ना नहीं, वो कुछ ना ही। देखो मधुवाला, अगर तुम्हारी नजर में कोई और लड़का होगा ना तो हमको साफ साफ बता दो, सारा पाताल में भी होगा ना उसको तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे, वचन है गोपी का। जो फैसला करना एकदम सोच समझ कर करना, नाप तोल कर करना, क्योंकि शादी ब्याह तो जीवन में बार बार होता नहीं है, दिस इज इंडिया है। और इन लोगों का क्या जाएगा? इन लोग तो बोलेंगे कर लो मधुबाला, कर लो मधुबाला, बाद में लाइफ हमारी खराब हो जाएगी, वो सब नहीं चाहिए। इसलिए जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ कर लेना, कौनो फास्ट डिसीजन मत लेना, डोंट टेक। मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी करूंगी तो गोपी से। हाय हाय भैया। हाय इंस्पेक्टर साहब, जल्दी करिए, कहीं वो गुंडा मेरी बेटी के साथ शादी ना कर ले। यही वो गुंडा है जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है और मेरी नाबालिग बेटी के साथ शादी भी कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है। नहीं चाची, शादी हो चुकी है, मंगल सूत्र में पहना दिया। हां देख नहीं रही है आपकी आपकी बेटी कैसी गुड़िया की तरह लग रही है? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी की होगी, फिर इसकी उम्र क्या है? पिछले साल 18 साल की थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। माफ कीजिए मैडम, लड़की देखने से नाबालिग नहीं लग रही है, अभी अभी आपके पति ने खुद कहा है, और देखने से भी लग रहा है कि लड़की इस शादी से खुश है, फिर भी हम इससे पूछ लेते हैं। बेटी सच सच बता कि तू? आप चुप रहिए मैडम। हाँ तो बेटी ये बताओ, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। बेटी ये तूने क्या किया? एक तो माँ की इजाजत के बगैर शादी कर ली, ऊपर से आशीर्वाद भी नहीं लेते हो। अरे आशीर्वाद कैसे ले लेंगे, हमारी माँ आशीर्वाद? अरे आशीर्वाद ले रहा था, हुल थोड़ी दे रहा था। राम राम राम। अरे हम है ना, जो हुआ सो हुआ। प्रणाम। क्या है आज से हम तेरे सास ससुर, तू हमारा दामाद। जिंदगी में बड़े अरमान थे कि इसकी शादी बड़े शान और शौकत से करूंगा, अगर तू मिल गया तो सारे शान और शौकत पूरे हो गए, सारे अरमान पूरे हो गए, बचे हुए अरमान चाची पूरे कर देगी। चल जाएगी, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ चाची, मैं चलता हूँ। गोपी भैया की शादी हो गई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो पापी। कितनी सुंदर लग रही है। अरे जीते रहो बेटे। अरे ओ बिलायती भाउजी, तनिक अपनी पतली कमरिया जरा झुकाई के अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लो। चुप कर मनु, जब देखो चटर पटर करती रहती है। हमारी बहू विलायत से आई है, वो थोड़े ही जाने थे हमारे रस्म और रिवाज। अच्छा तुम दोनों बहू की आरती उतारो, और बहू घर में आने से पहले ये लोटा अंदर की तरफ गिराए दो। थैंक यू डार्लिंग। गोपी भैया, आज से तुम अपनी पूरी की पूरी जेब खाली कर दो, विदेशी भाजी जब आए हो हम तो दुगना नेक लेगी। हाँ अरे तनिक आरती तो उतार लो, जिसका नजर देखो हमरे पैसवा पर है, जितना राउंड निकालोगे उतना ही मिलेगा। एक दो। ओफो, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बार आरती उतारेंगे? इन लोगों को आरती उतारने का इतना ही शौक है तो इन्हें मंदिर भेज दो। अरे नहीं इसके बाद ये लो गोपी भैया, पहली बार दुल्हन को घर बुला के हमारा तो अपमान ही करा दिया ना, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। और तुमको हमसे अगर मिलना होगा ना तो तुम ही आ जाना हमसे मिलने, हम जा रहे हैं। मुनिया, अरे मुनिया, अरे तोरे कहने में तो शादी की थी हमने। तो भक्तो ऐसा मन्नो, अरे मन्नो, इनकी सुहागरात तो आज होगी।
हमारी सुहागरात कब होगी? हम दोनों भी आज रात को ही मना लेते हैं सुहागरात। आज रात को? सच? सच? तू मेरे घर आ जाना रात को। घर? अरे मेरी माँ ये सब क्या कर रही हो? लूटी अटवाओगी क्या? मधुबाला, क्या स्टाइल है? गांव के सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, चलो उठो। ये सब तुम्हारे ससुर के बराबर है, ये सब तो जमीन पर बैठे हुए हैं और तुम टांगरा के ऊपर बैठी हुई हो। जमीन पे बैठे हैं तो क्या मैं सर पे बिठा लूं? इस तरह बुजुर्गों के सामने बैठे रहिए। अच्छा ठीक है, आइए हरिया काका गांव के सरपंच हैं, इनके पांव छू के आशीर्वाद लो। हेलो ओल्ड मैन, हाउ आर यू? खुश रहो, खुश रहो। ये रामदीन काका है, इनकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है और इनका पांव छू के आशीर्वाद लो। हेलो अंकल, हाउ आर यू? समझ लिया भैया, झेल लिया, ऐसा ही है। इनसे मिलो, ये बिप्ता प्रसाद जी है, गाँव के बहुत बड़े। एक ही दिन में सारे गाँव से मिलवा दोगे क्या? गोपी डार्लिंग, इट्स टू मच। है? आप जल्दी से मुझे आशीर्वाद देकर अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अरे 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 कोई तो सुना भैया, क्या कर रहे भैया? अरे चाचा, अरे काका। सफेद सफेद जोड़े में तुम बिल्कुल परी लग रही हो। हाँ, क्या हुआ? क्या खुशबू है, बिरयानी बनाई क्या? हाय, तुमको कैसे पता चला? अरे एक बार खाओगे ना तो जिंदगी भर खाते रहोगे। तो जल्दी से खिलाओ। हाँ खिलाती हूँ, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ मेरे मनचले राजा कि तुम अपने हाथों से खाओगे या मेरे हाथों से? सारी जिंदगी मैं अपने हाथों से खा खा के तंग आ गया। हाँ। तुम अपने इन गोरे गोरे नाजुक नाजुक हाथों से खिलाओगे ना? हाँ। मेरी तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। इधर नहीं, बिस्तर पे। बिस्तर पे चले, चलो। मेरी लाइफ बन गई, मेरी लाइफ बन गई, मेरी लाइफ बन गई, मेरी लाइफ बन गई। आंखें बंद करूं? जल्दी से बंद करो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए। अरे लाइट बंद करो, अरे लाइट चली जाए। ऐसी की तैसी, निकल निकल बाहर, चल निकल। तेरा पेट भर गया या और खिलाऊं? भर गया, भर गया। बंद कर तेरी लाइफ, चल निकल यहाँ से, निकल। मेरी क्या लाइफ बनाई है, मार मार के खोता बना दिया। मनचला भैया, तनिक एक बात तो बताओ, रात को मनोरमा की दावत कैसी रही? बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बहुत खातर की, मेरी तबीयत हरी हो गई। हरी के साथ साथ कहीं के लाल, कहीं के नीली भी हो गई। सरकार, ये चोटे आपको लगी कहते हैं? सच सच उगलवाना चाहते हैं? अरे कितनी बारी कहा कि रात में मेरे को कुत्तों ने जुड़वा दिया था। कुत्तों ने? भागले। क्यों मेरे मन चले राजा, कल रात की सुहागरात कैसी रही? वो क्या है कि मैंने कल गर्म दूध नहीं पिया। अरे अगर तेरा दिल ना भरा हो तो आज रात को तो फिर आ जा, मैं तेरा बेसब्री से इंतजार करूंगी। फिर बुलाया? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कल मैंने खाया था, मेरा पेट खराब हो गया था। है? नहीं जाऊंगा। राधा, तू अकेली काहे को आ गई? मधु के साथ में काहे नहीं लाई? पहले खाना खाई लो, फिर अपनी मेम साहब के बारे में पूछो। अबे खून का चला, 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 भैया धक्का लगा के मारा। देखो देखो, चलो ठीक है। गोपी भैया, शादी के बाद भी राधा खाना खिलाएगी क्या? अरे भैया, बहू विदेश से जो आई है और इतनी चिलचिलाती धूप में खाना कैसे लेके आएगी इसके लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। अरे वो तो हमको बोल रही थी, वो तो नंगे पांव आने को रेडी थी, वो तो हमने उनको रोक दिया कि गांव की धूप में लू ला लग जाएगी। खाना खा ले, लगा गए साले। राधा, हमको तुमसे एक बात पूछनी है। एक बात बता सकती हो, ये मधु तुमको कैसी लगती है? काहे पूछा, अच्छी चीज तो सभी को अच्छी लागत है। हाँ नहीं नहीं, वो तो हमको मालूम है कि बहुत टू गुड है। उसके बाद की हमको कोई ऐसी फिकर विकर नहीं है, वो थोड़ा विदेशी है, उस हिसाब से उसका जरा हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ है, बाकी उसका मन बहुत अच्छा है। कहाँ हुआ? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है। हाय राम, ये गोपी की बहू को क्या हुई गवा? कपड़े क्यों उतार रही है? राम राम, बड़ी बेशरम है ये, मुझे तो लगता है इस पे कोई चुड़ैल सवार हो गई है। देखो तो कैसे बेशरमों की तरह कपड़े उतारे। ये क्या कर रही है आप? स्विमिंग करने जा रही हूँ। देखो गौरी भैया, हमारे गांव में औरतन की बहुत इज्जत है। सही बात तो है। अब आपसे ब्याहने के बाद आपकी पत्नी जो है वो हमारे गांव की इज्जत हो गई। यही
तो फिर वो आपको छोड़कर काहे गई? अरे वो का? आप में विटामिन की कमी तो नहीं है? कैसन बात करत हो भैया, अरे विटामिन ज्यादा रही तभी तो निकल पड़ी। देखा, अरे कैसे आदमी हो यार, अपने घर की इज्जत को नहीं संभाल। क्या करती हो, पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत निकलवा डाली, नाक कटवा डाली हमारी। What have I done? मैंने क्या किया? अरे क्या किया, ऐसा खुलम खुला कपड़ा पहनकर कोई नदी में तैरता है क्या? तो फिर मैं साड़ी में नहाऊंगी क्या? This is swimming costume. You stupid. Don't you understand? अरे I understand सब कुछ। देखो, if you take bath in घर का बाथरूम, घर की इज्जत घर के अंदर। If you take bath in नदी खुलम खुला, घर की इज्जत on road। यहाँ कैसा बाथरूम है, ना शावर ना टब, मैं कैसे नहाऊंगी? अरे मेरी माँ, मैं अपने पूरे घर को बाथरूम बनवा डालूंगा, वो जो हॉल है ना वहाँ पर स्विमिंग पूल बनवा दूंगा, मुंशी जी से कहूंगा कि मैम साहब जो कहे वही करना, मगर नदी में खुल्लम खुल्ला पब्लिक थूकिंग ऑन अवर खानदान है, नो स्विमिंग है, नो स्विमिंग है डार्लिंग, नो स्विमिंग, चेंजिंग कपड़ा भगवान के लिए। आओ मेरी माँ, लागत है गोपी का खाना नहीं आया आज। हाँ लगता तो है, उनको भी पूछ लो। हाँ। अरे ओ गोपी भैया, अरे भाई तुम्हारा खाना नहीं आया तो हमरे साथ खाई ले। अरे ना ना काका, बहन खाना लेकर आती होगी राधा, ये समझो कि आ गई। आज राधा नहीं आएगी, आज राधा नहीं आएगी, आज राधा नहीं आएगी। अरे मारे हमारा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, तू इतना लहरा कहाँ रहा है बे? बहुत भूख लगी है, जान जा रही है। वेरी गुड, उधर देख। Oh!
चाल में सनसनन साए साए हो रही थी रीत में सनसनन साए साए हो रही थी गांव में मन चला भैया पड़ोस के गांव में मैंने जो लड़की देखी आहा अरे पूछो मत भैया उसकी लाइफ बना देंगे अरे पंडित जी आ गए अरे पाए लगे पंडित जी जीते रहो ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो अरे हीरा लाल है ना उसकी बेटिया मनोरमा उसके घर जाते हैं उसके घर क्यों जाते हैं अरे उसके लिए शादी का रिश्ता लाए हैं ये देखो पड़ोस के गांव के सीताराम और उनका लड़का किशन शादी करेगा कितना अच्छा लड़का है पंडित जी जरा इधर आइए अब मैं आपको क्या बताऊं वो मनोरमा है ना वो अंदर सो रही है रात भर जगी थी ना कहे हर दूसरे तीसरे दिन घर में आ जाती है तो मैं काम करो इनको मंदिर लेके जाओ मैं मनोरमा जी को घर पहुंचा देता हूँ अगर आप लोग कहें तो मैं उसको यही बुला लूं अरे ठन्नी जरा मनोरमा जी को उठा ना चवन्नी जा बुला के ला पंडित जी कौनो जरूरत नहीं है लड़की हमने देख ली है चल बेटा रुको रुकिए रुकिए लड़के की लाइफ बन जाएगी अरे ठहरिए मैं राहू हुआ अब तेरा क्या होगा गोपी भैया ये देखो अरे गोपी भैया मिल गए गोपी भैया जब देखो लल्लो चप्पो लगा रखा है मनोरमा लल्लो चप्पो ना ही है वो मन चला है ना अरे जो भी पंडित हमारे लिए रिश्ता लेकर आता है वो हराम खोर उन्हें उल्टा सीधा हमारे बारे में बोलकर उनको भगा देता है हमको बदनाम करके रखा है भैया अब हमारी शादी नहीं होगी हमसे कोई शादी नहीं करेगा अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे चलो हमारे संग आओ देखते हैं साले गांव अबे उठा ली जी सरकार ये फूल कहां से लेके आया जहां से हमेशा लेकर आता हूं सरकार फिर इसकी खुशबू क्यों नहीं आ रही इसकी खुशबू से तो मुझे जुकाम हो गया सरकार फिर इसकी खुशबू सुनकर पास के गांव की लड़कियां क्यों नहीं आ रही अरे पहले इसकी खुशबू गांव तक फैलने तो दो हाँ वो लड़की आ गई हाँ खुशबू फैल के लगता है मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी चल हट काम की बात कर काम की बात बाद में करेंगे पहले ये फूल तो स्वीकार कर लो हाय दया बड़ा चालाक है रे तू नकली फूल देकर पूरा गुलदस्ता लेना चाहता है हट हमें फूल नहीं चाहिए हमें तो समझ गया ये फूल वाली नहीं है ये तो नोट वाली है नोट वाली ये ले नोट मैं तेरी लाइफ बना देता हूँ चल खेतों में चल बना लाइफ बना अरे नहीं अरे मर जाओ अरे बचा लो मन चला हैं किधर चला अरे कहीं नहीं हैं चला भी हमरे संग पंडित के पास तू भी चल मन्नो आज ही शुभकामना हमारे हाथों से कर डालते हैं गोपी भैया ये शादी नहीं हो सकती काहे क्योंकि पंडित ने मेरी कुंडली पढ़ के बोला था कि 5 साल के अंदर मैं जिस लड़की के साथ भी शादी करूंगा ना वो लड़की मर जाएगी हा? पंडित ने बहुत गलत बोला था शादी नहीं किया ना तो तुम 5 मिनट में मर जाओ बुझला कर नहीं इसको हटाओ ना एक बात ध्यान रखो मनु हमारी बहन जैसी है इसको जरा भी धोखाधड़ी किया ना तो हाँ समझ गया भाई समझ गया ये तुम्हारी बहन जैसी है ना तो मैं तुम्हारा क्या लगा जीजा तुम मेरे क्या लगे साले 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 जब तक रहेगा समोसे में आलू मैं बन के रहूंगा तेरा भालू अब कौन सा नया चमत्कार दिखाने वाली हो मधुबाला कुछ और बचा है क्या दिखाने के लिए अरे वाह 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 ये कहाँ आ गए हम हैं इनको तो देखो कपड़ा उड़ा जा रहा है ये पोज मार रही है मजाक मत करो ये बताओ कैसा लग रहा है गजब है के देखो ये स्टैच्यू ये सोफा सेट सारी पुरानी चीजें निकाल कर मैंने नई चीजों से घर को सजा दिया है
अच्छा लग रहा है ना? पहले घर में घुसते थे तो बहुत ही आदर और सम्मान की भावना जगती थी, अब घुसा करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी फाइव स्टार होटल में घुस गए। यहाँ पर हमारे पिताजी की तस्वीर हुआ करती थी, वो कहाँ गई? पुरानी हो गई थी, मैंने गोदाम में रखवा दी। चलो जिस दिन तुम पुरानी हो जाओगी तुमको भी उठाकर किसी गोडाउन उड़ाउन में फेंक डालेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आशीर्वाद था वो हमारे पिताजी का, तस्वीर नहीं थी, तुमने उसको उठाकर गोदाम में कैसे फेंकवा दिया? जब पिताजी नहीं रहे उनकी तस्वीर का क्या करना है? एक तो जब मारेंगे खोपड़ियां घूम जाएगी तुम्हारी। चलो ले आकर तस्वीर लाकर लगाओ वापस से। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? गोद में उठाकर प्यार करने वाली हरकत नहीं है तुम्हारी। मारो मारो मुझे। ए मधु देखो जा, दिमाग खराब मत करो हमारा, वरना पूरा प्लास्टर खराब कर डालेंगे हम तुम्हारा। क्या करोगे, मारोगे ना मुझे? मैंने इतने प्यार से घर को सजाया, सोचा कि तुम खुश हो जाओगे और मेरी तारीफ करोगे, और तारीफ के बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं अभी अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। अरे तेरी मम्मी क्या इसी तरह से मारे? तुम्हारी मम्मी ने तुमको बिगाड़ रखा है साला, हमको अपने बाप की तरह लल्लू मत समझना। साला उठाकर हमारे बाबूजी की तस्वीर गुड़ा लोने खा डाली और इधर लाके मुर्गा सजा दिया। बताओ साला, अजायब घर बना दिया हमारे घर को। ये जितनी तस्वीरें सबके सब नंगी पुंगी है, एक राम में रखने लायक भी नहीं है। ए मन चला इधर आवे। देखना, इन्हीं का सपना था मधु को बहू बनाने का, और आज इसी मधु ने उनकी उनकी तस्वीर उतार दी। आंसू भाई काहे रो रही हो? हम अभी मधु को लेकर आते हैं, लाकर तुम्हारे चरणों में पटक देते हैं, माफी मांगेगी तुमसे वो? नहीं, वो बेचारी नादान है। अरे नादान है तो क्या पूरे घर में आग लगा देगी तो हम खड़े रहकर तमाशा देखेंगे? अरे नहीं बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बड़ों का आदर करना शायद उसकी माँ ने ही उसे नहीं सिखाया है। चल जाने दे। क्या जाने दे? अरे जाने दे। क्या अच्छा झाड़ के आया उसको क्या? हम जा प्यार से मना उसे। अरे कोई मनाने वाला नहीं जा। अरे अरे तेरी तो ले, अपने घर में चोरों की तरह आ रहे साला। ये सारी औरतें पलम पे काहे को रोती हैं यार? सुनो ना, ये सारी औरतें पलंग के ऊपर तकिया पकड़ के काहे रोती हैं यार? अच्छा सुनो सुनो सुनो, हमने अपनी सारी गलती मान ली है, सारी गलती हमारी है, ऑल माय मिस्टेक। तुमने तस्वीर हटा दी थी, हमको दोबारा लगा डालनी चाहिए थी। हमको की जरूरत थी अपनी पत्नी का मन दुखाने की, खामा खाई थी तो तुम्हें करने। अच्छा मत रो अभी इतना, आई एम सॉरी यार। भैया मधु के माता पिता आए हैं। हम अपनी मुंडी भिजवाते हैं, उनको हमारे सर पे बैठा दो। अरे इस तरह सुझाओ मुंह लेकर जाओगी तो मालूम है तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी? माय डियर बेबी व्हाट हैपेंड? मम्मी मम्मी गोपी बीट गोपी, यू ब्लडी फूल, माय फूल सी बेटी, यू मेड गोपी का फूल। देखिए क्या हो रहा है। सारे मर्द हमारी तरह थोड़ी होते। यू शट अप बेटी, उठाओ बेटी और निकलो इस घर से। नहीं मधुबाला, हमको छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर हमारा वो हाल हो जाएगा जैसे बैल के बगैर बैल गाड़ी, खड़े खड़े सड़ जाएगी भैया। देखा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंजर जमीन के ऊपर फसल लहरा रही। सन सन नन साय साय, आओ। ब्यूटीफुल वंडरफुल, देखा आपने, मेरी बेटी ने ये घर अपने ढंग से बनाया है। जाहिर बात है, घर बनाना और घर बिगाड़ना तुम लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है। तुम्हारी ये ताना देने की आदत है। ओ मधु बेटी, ओ माय डार्लिंग। प्रणाम सर। अरे पांव छू रहे थे हम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओ माय बेबी। प्रणाम। अरे तूने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया, अब तो यहाँ बैठने का भी जी कर रहा है। अच्छा? जब उस दिन यहाँ आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भैंस के तबेले में आ गए हूँ। मैं भैंस तो अभी भी है यहाँ पर। क्या कहा, तुम्हारी ताना देने की आदत कभी नहीं जाएगी। गाली नहीं दे सकता, कम से कम ताना तो देने दो। ताना तो देने दो। ये लो मधु बेटी बर्थडे प्रेजेंट। हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ये एडवांस में प्रेजेंट दे रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? व्हाट? ले लो बेटा, पहला प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट तो पहला मिल चुका है हमको। ये नहीं दिया होगा ना, उधर देखो बेटी, वहाँ मेरी तरफ क्या है। अरे मधु बेटी, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स इंडिया आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और खास तौर पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम कहो तो उन्हें तुम्हारा एड्रेस दे दो। अरे आने दीजिए ना, मेहमान तो भगवान समान होते हैं। चलिए। हाँ हाँ चलिए। अरे ऐसे कैसे कुछ खाए पिए मगर जा सकते हैं आप, थोड़ा सा रुक जाइए ना। ले जाने दो, थोड़ी देर और रुकेगी तो घर में आग लगा दी। आइए छोड़ देता हूँ। तुम अपनी जबान को लगाम दो। लगाम दो, मैंने शादी वाले दिन ही लगा दी। चलिए। हाँ आइए। मधु जी जन्मदिन मुबारक हो आपको।
थैंक यू। माँ जी ने पूजा के वास्ते बुलाया आपको। हैप्पी बर्थडे मधु। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस मधु। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। यू मस्ट बिलीव इट। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो यहाँ घूमने आई थी और चुपचाप शादी भी कर ली। अरे नहीं यार, यू नो व्हाट हैपेंड? चट मंगनी और पट ब्याह। अरे हाँ, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है मधु? Where's your husband? Where is he? Gopi Bhaiya, पवित्र कर दिया जानवर उजट कहीं के टांग टांग रख के चीड़ होने के सर। क्या भैया तुमको ये डिस्को लगता है? हैं डिस्को लगता है तुमको? डिस्को लगता है साला, इज्जत का बंटाधार कर दिया हमारे। इज्जत माय फुट। यस गोपी, तुम हाथ उठाती है साली? तुमने मुझे मारा और मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई लिसन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या करोगी? कहाँ जाओगी? आए मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। मम्मी के पास जाओगी? ठंडा कहाँ है? चलो तुम मम्मी के पास जा ही रही हो तो तुम्हारा आज काम ही हम पूरा कर डाले। मम्मी तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा मधु अभी नादान है, बहुत गलतियां करेगी। तुम तो समझदार हो, उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी। जरा नाटक तो देखो इनका, इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से समझाने के ऊपर हम ही विलन बन गए। ये देखो पूरे घर में साला दारू ही दारू। राम 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 राम। जी गोपी, गोपी मधु अपने कमरे में नहीं है। देखो वहां टेरेस पे होगा। हमने चारों तरफ देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। कहां कह रही हो तुम? मैं गोपी के पास नहीं जाऊंगी। आई कांट लिव विद हिम एनीमोर। डोंट क्राई माय बेबी, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा होने वाला है। तो फिकर मत कर, मैं तुझे उससे तलाक दिलवा दूंगी, फिर तू दूसरी शादी कर लेना। वाह, क्या माँ है, क्या तालीम दे रही है। बेटी से कहती है मैं तलाक दिलवा दूंगी, दूसरी शादी करवा दूंगी। अरे ऐसा लड़का, ऐसा खानदान पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा इंडिया और तुम्हारे इंडियन लोग। आई हेट देम। तो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ये कौन है? तुम सब इंडियन हो, अपने आप को हेट कर रही हो। देख बेटी, ये तेरी माँ का तो दिमाग खराब है। गोभी बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे कहूंगा, वो आएगा तो इससे माफी मांगेगा, तुझको मना के लेके जाएगा। नो डैडी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। देख लिया मधु, मेरी बेटी है, मेरी। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। अब देखना, मैं तल्लाक का नोटिस भिजवाऊंगी वकील को बुलवाकर, फिर पता चलेगा उस बच्चू को। हाँ पता तो चलेगा, मगर ये तो बाद में पता चलेगा कि किसको पता चलेगा। गोभी भैया आपकी रजिस्ट्री आई है। हमारे लिए रजिस्ट्री आई? आपका इसके में नाम छपा हुआ है। ये हमको बोला रजिस्टर कौन भेजेगा?
मधु, अरे मधु, अरे मधु रे, अरे ओए, क्या जंगली की तरह चिल्ला रहा है? हाँ बढ़िया, हमको आपसे बात नहीं करनी है, मधु से मिलना है। मधु तुमसे बात नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, वो हमारी पत्नी है। अरे क्या पहन रखा आपने? राम राम। शट अप यू। पत्नी थी, है नहीं। नोटिस मिलने के बाद भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, नाउ गेट आउट। क्या इंग्लिश स्टाइल में गेट आउट बोल रही है? चाचा जी समझाइए ना इनको आप। वो मैं क्या हंस देते हर बात पे, इनको समझाइए ना। आज तक हमारे खानदान में किसी ने कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा। अरे पूरे गांव के अंदर खून खराब हो जाता है तो उसका फैसला हम सरपंच की कुर्सी पर बैठ के करते हैं, और हमारी अपनी पत्नी के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। समझाइए इनको आप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो बीच में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? पूछा इनसे, इन्होंने कभी मुझ पे हाथ उठाया? काश एक बार उठा लिया होता। क्या कहा? नहीं मैं कह रहा था कि चिल्लाया मत करो, तबीयत खराब हो जाए। ऐसे दामाद का क्या, तो रोज आते हैं आते हैं। ये आते जाते की तरह आते आते क्या बोल रहे हैं आप? हमको आपसे बात नहीं करनी। सुनिए, आप हमारे तीन गिनने से पहले हमारी मधुवालों को नीचे बुलाती कि नहीं? क्या करोगे? चार गिन लेंगे। समझाओ इसे। चार गिनने में क्या बुराई है? अच्छा सुनिए सुनिए, देखिए गलती से हमारा हाथ उस पे उठ गया गुस्से में, मगर इसका मतलब ये थोड़ा ही है। कोई कह सकता है पूरे गांव के अंदर कि गोपी अपनी मधुबाला से प्रेम नहीं करता? अरे आप उसको नीचे बुलाइए, हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। ए मधुबाला, स्टॉप हिम। अरे मधुबाला, ए मधुबाला, अरे कहाँ हो भाई? देखो मधु, हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं, हम कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। चलो गोपी, अब कुछ नहीं हो सकता, मधु को तलाक चाहिए। कैसी बातें कर रही है? हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी से तलाक नहीं लिया। हमारी माँ तो खबर सुनते ही मर जाएगी, नाक कट जाएगी पूरे गांव में हमारी। सरपंच हम गांव के, हमारी इतनी सी गलती की हमको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप कहती हैं तो हम आपके पांव छूकर माफी मांग लेते हैं। स्टॉप इट, ये क्या तमाशा है? कितने बेशर्म हो, इतना धुतकारने के बाद भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने हर तरह से माफी मांगने की कोशिश की, हाथ जोड़कर पांव पड़कर गिर गिराकर मिन्नतें कर, मगर हमको अपना और तमाशा नहीं देखना है। अब हमको कुछ नहीं देखना, अब तो हमको बस आप लोगों को दिखाना है। जिस तरह से आज हमने इस घर में गिड़गिड़ाकर माफी मांगी है ना, अगर हमने उसी तरह से मधु से माफी न मंगवाई तो हमारा नाम भी बनारसी बाबू नहीं। ये अपने आप को समझता क्या है? अकड़ू। गलती तो तेरी भी है गोपी, तुझे बहू पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने तुम्हारा अपमान किया, पूरे खानदान की नाक काट दी, और तुम उसी की तरफदारी किए जा रहे हो। अरे संस्कार नाम की चीज नहीं है उसमें। माँ की कोख से संस्कार सीखकर कोई नहीं आता इस दुनिया में। तुझे बचपन से सिखाया है तभी तुझ में संस्कार आए हैं, और फिर बहू को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। और अभी ये कोर्ट का नोटिस भेजा उसका क्या, हम भी अपनी माँ के पास रह लेंगे। तेरी आंखें कुछ और बोल रही है और तू कुछ और बोल रहा है। मैं जानती हूँ तू मधु से बहुत प्यार करता है। प्यार तो हम बाबूजी से भी बहुत करते थे माँ, नहीं रहे ना वो इस दुनिया में, जी रहे ना हम उनके बगैर, यही सोच लेंगे कि मधु भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मधु अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं, मेरी भी बहू है, हमारे खानदान की इज्जत है। गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, वो लीली चाची है ना, भाभी को लेकर कोल्हापुर जा रही है। क्या? कोल्हापुर नहीं, सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर। जल्दी चलो ना, ये क्या कछुए की चाल चल रहे हो? जब उम्र बढ़ जाए तो रफ्तार कम रखनी चाहिए, तेज चलोगी तो मुंह के बल गिर जाओगी। यहाँ पर भी ताने देने से बाज नहीं आओगे तुम? अभी क्या करूँ, तलाक तो दे नहीं सकता, तो ताने दे के काम चला लेता हूँ। I'm tired of you, घर चलो बताती हूँ। मुझे मालूम है। Oh my God, it's so embarrassing. Oh my God, what did you do? Hey baby, कहाँ ससुरा, कहाँ भागे भागे जा रहे थे, दुनिया बहुत छोटी है। ये आप हाथ खड़े क्या खड़े हैं, चलो वरना ये हमारी बेइज्जती कर देगा। मंचला पापी, पापी मंचला फाड़ दे पापी। अबे क्या कर रहा है, गिरा देगा क्या? अबे क्या कर रहा है, अरे कहाँ कर रहे हो, अरे तरफ पीछा छोड़ेगा छानिया।
ये देखो ये लो पता। ये पता है? बच गया क्यों बोला मैं मनुष्य? तो क्या बोलता? बोलता मर गए लुट गए बर्बाद हो गए, कम से कम पता तो मिल जाता। आप कहाँ जाएंगे? गाना तो तुम गा ही लेते हो, पेटी मैं बजा लूंगा। भीख मंगवाओगे? बनारस की नाक कटवाओगे परदेश में आए? अरे यहाँ किसको मालूम कि तुम बनारस के बड़े आदमी हो? काहे तुमको नहीं मालूम? मैं किसी को बताऊंगा क्या? अरे तुम्हारा क्या भरोसा, बनारस में जाके पलट गए तो? नहीं नहीं यह पता मिलकर भी नहीं मिला, और वो ससुरी तो पहुंच गई अपने घर में। चल चलो, मैं तुमसे पूछती हूँ वो जंगली बदतमीज हिंदुस्तान छोड़कर सिंगापुर कैसे पहुंचा? अरे यार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो, जिससे सवाल करने की उससे तो करती नहीं हो, मैं क्या जेब में बिठा के लाया उसको? ठीक है मम्मी, मुझे डर लग रहा है कहीं वो यहाँ मेरा तमाशा ना बना दे। डोंट वरी माय स्वीटहार्ट, ये इंडिया नहीं सिंगापुर है। एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपनी मंथु बेटी की शादी हो चुकी है। अगर कहीं वो जंगली गांव नजर आए ना तो उससे पहचानने से भी इनकार कर देना, समझे? मैं आपकी हर बात समझता हूँ, सिर्फ एक ही चीज आज तक नहीं समझा, वो आप हैं। शट अप, वो तो होता है हमेशा एंड में। यार वो दामाद जी को पता मिला होगा कि नहीं मिला होगा? नहीं मिला होगा तो कहाँ भटक रहा होगा यार। अरे गोपी भैया उठो, अरे गोपी भैया उठो, अरे उठो, देखो सुबह हो गई है सुबह। अरे जमीन में से बारिश आ रही है, बड़े बड़े लोगों के बैल खेतों में काम करने जा रहे हैं। अरे उठो उठो। अरे क्या करते हो मंचला, इतनी ऊंची नींद से उठा दिया, मालूम है कितना सुंदर सपना देख रहे थे? क्या सपना देख रहे थे? हम देख रहे थे कि तुम्हारी भौजी मधुबाला हमारा पाँव दबा रही थी, और हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हमारी छाती पर लोट लोट कर खेल रहे। हो ही नहीं सकता, तुम बर्बाद हो चुके हो, तबाह हो चुके हो। अरे इतना बड़ा शहर, उसे मिलना तो दूर, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। अरे जियो मन चला, कहा बुराई किए तुम, बुरा कहे और हमको हमारे मधुबाला सामने नजर आ गई। ए मधुबाला, बड़ा आला हो मधुबाला गजब कर।
का भरा प्याला है मधुबाला गजब कर काला हाय रे हाय रे गजब कर काला मेरी मधुबाला गजब कर काला है मधुबाला गजब कर काला तूने मधुबाला गजब कर काला है मधुबाला मधुबाला अरे गजब कर डाला रे अरे अजब कर डाला रे मम्मी मम्मी व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो क्या हुआ वो है ना वो कौन गोपी व्हाट मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया बाहर खड़ा है क्या हुआ क्यों चिल्ला रही हो फिर अरे एक गुंडा तुम्हारी बेटी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया और तुम पूछते हो क्यों चिल्लाती हो कौन गुंडा गोपी वो गुंडा थोड़ी है वो तो इस घर का दामाद है उसको बुलाओ चाय पिलाओ नाश्ता खबरदार जो उसे दामाद कहा तो उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुम कैसे बाप हो चलो तुमने जिंदगी में पहली बार माना तो सही कि मैं इसका बाप हूँ खैर तुमने अभी तक मुझे सिर्फ बोलते हुए देखा अब देखो मैं क्या कर क्यों सासू हमको छोड़ के आ गई थी ओह माय गॉड देखो कैसे तुम्हारा घर ढूंढ लिया हाँ। हम लोग को बनारस के कल्लू समझ के रखा हुआ है ये यहाँ तक आ गया है अरे कुछ करिए जाइए ना हाँ हाँ अरे भाई क्या लगा रखा तुम लोगों ने चलो उठो निकलो बाहर बेरुखी अच्छी नहीं है ससुर जी हाँ। अरे का अपने साथ हमको भी पिटवाओगे नाटक समझा तो करो निकलो चल मेरा कान कान एक मिनट क्या कर रहा है बहुत भूख लगी है का पहले तुम फेंको अरे फेंक ना यार उधर फेंक ना ये लो सिंगापुर का संतरे आया आया बाबूजी आप इतना घबराए हुए क्यों हैं कुछ नहीं बेटा ऐसा लगता है मेरे घर की कहानी फिर से शुरू हो गई है डरता हूँ कहीं तेरी हालत मेरी जैसी ना हो जाए आप इनकी बिल्कुल चिंता मत करें गांव के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी भैंसों को भी ठीक किया है बाबू जी हमको लगता है कि हमारे घर की प्रॉब्लम मधु की कम है और हमारी सासू जी की ज्यादा है वही तो है आप हमको ये बताइए कि हमारी सासू जी हमको अकेले कब और कहाँ मिलेगी फिर देखना भगवान उनका भला करेगा लेकिन मुश्किल लगता है सुन मैंने उसके बैग में डाल दिया यहाँ से तो निकल गई लेकिन वहां से कैसे निकलेगी एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज शो योर पर्स हे व्हाट इज दिस ये मेरे बैग में कैसे आया मुझे नहीं मालूम आई स्वेयर मैंने नहीं रखा इसे हे कॉल द पुलिस बट लिसन टू मी इट्स नॉट माय फॉल्ट प्लीज सॉरी मैम एक्सक्यूज मी सर कैन आई मेक अ कॉल यस मैम थैंक यू फोन आया नहीं अब तक कहीं पुलिस ने छोड़ तो नहीं दिया उसको हेलो चौबे स्पीकिंग हेलो मैं लीली बोल रही हूँ पुलिस स्टेशन से हेलो आवाज नहीं आ रही है कौन बोल रहा है हेलो मैं लीली बोल रही हूँ हेलो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है हेलो आवाज नहीं आ रही कौन बोल रहा है अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या बहरे हो गए हो तुम्हारे देखे हाँ चीजू मैं नहीं आओ मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ 2000 लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए तुम मान सिंह आवाज बाजी 2000 लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए वरना सारी रात मुझे जेल में काटनी पड़ेगी अरे नहीं कौन गधा बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है हेलो हेलो ओके वेयर इज द सेल ओ महाराज आप कहाँ हैं क्या हुआ आपको नहीं लगता कि हम लोग सासू जी के साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं उसने एक बिफरी हुई शेरनी की तरह मेरी जिंदगी को फाड़ के रख दिया है
तुमने एक बेबस परिंदे की तरह उसको अंदर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। She deserves that। चाचा जी एक बात कहूँ। क्या? इन्होंने आपकी बीवी को तो अंदर करा दिया है, अब आप इनको अपनी बीवी से तो मिलने दो। मैंने मना किया है क्या? चाचा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं मधु से जरा बात कर लूँ। हाँ जाओ, शेर की तरह जाना, गीदड़ की तरह नहीं। मेरा दोस्त कितना शरीफ है, इसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आपसे आज्ञा ली। अगर मैं आपका दामाद होता ना तो क्या करता? मैं भी आपकी आज्ञा लेता। डर 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 डर। गोपी तुम्हारी जबरदस्ती मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी तो ऐसे बोल रहे जैसे बहुत ज्यादा अच्छी। शट अप, तुम्हारे ये गवारपन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इंडिया छोड़कर सिंगापुर आई। हमको गवार मत बोलना। अरे अब तुम्हारे प्यार के खातिर देखना हम कैसे मॉडर्न हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी मम्मी के साथ बैठकर कोनियाक पिएंगे, पफ मारेंगे, पट्टे खेलेंगे, तुमको डिस्को में ले जाएंगे, जींस की पैंट पहन लेंगे टाइट और उसको यहाँ से फाड़ डालेंगे और उसके अंदर लिख देंगे टेक इट इजी और कान के अंदर बाली पहन लेंगे और चूहा कट बाल काट कर पूरे शहर में घूमेंगे, तुम भी कहोगे का चूहा पाई हो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे वही ले जा रहे हैं जहाँ से आए हैं भाई, और वही करेंगे जो एक पति को पत्नी के साथ करना चाहिए, तुम भी ऐसे ही खा बता। उठो। अरे तुम आ गई, कहाँ थी तुम? शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी बीवी सारी रात घर के बाहर रही और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। तो मेरी बीवी तो दो दो रातें घर से बाहर रहती पार्टियों, मैं समझा तुम पार्टी में गई होंगी। तुम्हें पुलिस स्टेशन से $2,000 लाने के लिए मैंने कितने फोन किए पर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। यहाँ तो कोई ऐसा फोन आया नहीं। हाँ एक फोन आया था पर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। चीख चीख कर मेरा गला फट गया,
ये तुमने जानबूझकर किया है। तुम्हारी वजह से मैं सारी रात पुलिस स्टेशन में बंद रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक रात में क्या फर्क पड़ता है? शट अप मम्मी। मधु मधु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी गोपी ने ना क्या सारी रात ये क्या हो रहा है? क्या? वो गवार गोपी का बच्चा मधु के कमरे में गया है कैसे? मुझे क्या मालूम, मैंने तो एक हफ्ते से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो आया था क्या? अरे क्या वो आया था क्या, मैंने उसे उसकी हरकत की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी ले ली नहीं? हाँ, वो तो है। मधु बेटी जा जाके तू तैयार हो, तुम गाड़ी निकालो। जाना कहाँ है? गाड़ी निकालो, सवाल कम करो। अच्छा प्लीज शीला फॉरगेट इट। हाउ कैन आई फॉरगेट, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई की निगाहों से गिर गई। मेरा प्यारा भाई मंडप से बिना दुल्हन के लौट आया। यू नो शर्म की वजह से मैं इंडिया नहीं जा सकती। आई अंडरस्टैंड शीला, पर मैं क्या करती, मैं तो मधु की शादी तुम्हारे भाई के साथ ही करना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर वो गुंडा आया और जबरदस्ती मेरी बेटी को उठा कर ले गया। तो अपनी सहेली को ये भी बता दो ना कि उस गुंडे की और तुम्हारी बेटी के फेरे हो चुके हैं, वो दोनों मियाँ बीबी हैं कानूनी तौर पर। जबरदस्ती से की हुई शादी शादी नहीं होती, समझे? काहे की जबरदस्ती बेटी, तू बोल उसने कोई जबरदस्ती की थी? जी नहीं। नहीं, मेरी बेटी मासूम थी। और इंडिया में तो जादू टोने होते ही रहते हैं, पता नहीं कौन सा काला जादू उसने मेरी बेटी पर कर दिया था। यू शुड बिलीव मी शीला, अब मेरी बेटी उसके चुंगल से आजाद है। तू एक काम कर, जल्दी से विकी को सिंगापुर बुला ले, हम इन दोनों की शादी यहीं कर देंगे। शीला हाँ? चुप क्यों है, से समथिंग। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी और आज भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू डोंट वरी, मैं आज ही विकी को आने के लिए फोन कर देती हूँ। अब देखती हूँ उस गवार के बच्चे को। हर मानो मेरी बात यारो, करो मेरा विश्वास, इस धरती पे कहीं ना होगी कोई ऐसी सास।
ये तो मेरी गोरी है चंदा की चकोरी है सीने से लगाऊंगा इसे सासू जी के पंजे में ये तो है शिकंजे में अब मैं छुड़ाऊंगा इसे माँ के प्रकोप से डरती है ना को भी हाँ हाँ करती है माँ के प्रकोप से डरती है ना को भी हाँ हाँ करती है बड़ी नादा बड़ी नादा बड़ी नादा मेरी घर वाली साथ मेरी बड़े नखरे वाली साथ मेरी बड़े नखरे सारे दुख सहता है कुछ नहीं कहता है ये तो डरता है रब से लेडीज एंड जेंटलमैन इंडिया क्लब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं मगर आज इंडिया क्लब में एक नए मेहमान पधारे हैं मिस्टर गोपी मिस्टर सेक्रेटरी ये हमारे क्लब की इंसल्ट है आपने ऐसे घटिया और गवार लोगों को क्लब में एंटर करने की इजाजत कैसे दी आपको कोई गलतफहमी हुई है ये तो बनारस की बहुत बड़ी हस्ती है ये जो शक्ल से अनपढ़ गवार और जंगली नजर आते हो आप उन्हें ऊंची और बड़ी हस्ती कहते हैं ऐसे छोटे लोगों के साथ तो मैं खड़े रहना भी पसंद नहीं करती चलो बेटी ये मेरा हाथ है आओ चलो एक मिनट इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अभी अभी इन्होंने हमारी तारीफ में कहा कि हम अनपढ़ जाहिल और गवार तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो क्या हम गवार हो गए अगर हम अपनी जन्म देने वाली माँ से प्यार करते हैं तो क्या हम गवार हो गए अगर हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को गले लगाकर रखना चाहते हैं तो क्या हम गवार हो गए और अगर ऐसा सब कुछ करने से इंसान गवार हो जाता है तो भगवान करे हम जिंदगी भर गवार ही रहे भैया हाँ लेकिन एक पॉइंट है भाई साहब एक पॉइंट है ये अनपढ़ गवार जो होते हैं ना वो बहुत डैम्बिस होते हैं एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना तो पड़ जाते हैं चाहे वो चीज विदेश चली जाए चांद पे चली जाए या ब्रह्मांड में कहीं हो जाए डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर है डॉक्टर एक्सक्यूज मी आई एम अ डॉक्टर शी इज प्रेग्नेंट ये तो मां बनने वाली है अरे हाथ तो छोड़ मुबारक हो आप नानी बनने वाली है मिठाई मंगाओ शराब मंगाओ अरे लिली तुम तो कह रही थी इसकी शादी नहीं हुई फिर ये माँ कैसे बनी मैं तो मजाक कर रही थी मधु की शादी हो गई है आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी अरे अरे मेरे काम कीजिए ना अब इन सबको एक बार इनके पति से मिला दीजिए अब आ गया मधु का पति हाय लिली हाय हाय आंटी हाय आओ बेटे ये है मधु का पति विक्की चल मन चला चल गोपी गोपी बेटा रुक तो सही कहाँ जा रहा है तू हम जा रहे हैं हिंदुस्तान अरे कैसी बात कर रहा है तू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं इतनी बेइज्जती सुनने के बाद यहाँ पर रुकेंगे क्या देख बेटा मेरी बेटी को तो अकल है नहीं वो नादान है उसकी माँ ने ऐसे काबू में करके रखा है कि उसके दिमाग से सोचती है उसकी आंखों से दुनिया को देखती है
मैंने सोचा था तू आएगा, इस घर को सुधार देगा। अरे हम यहाँ पर किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, हम अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आए थे। और उसका हमको ये सिला मिला कि हमारी पत्नी को किसी और की पत्नी कहा जा रहा है, हमारे होने वाले बेटे का बाप किसी और को कहा जा रहा है। अरे अगर बनारस हो तो ना सलाह काट डालते। तू ठहरना यार। देख बेटा, मेरे लिए ना सही, अपनी बीवी के लिए ना सही, मगर अपने होने वाले बच्चे के लिए तू रुक जा, उसका क्या कसूर है? कॉपी भैया, चाचा जी ठीक कह रहे हैं, भाभी के साथ साथ मेरा भतीजा भी इस घर के माहौल में खो जाएगा। तू ठीक कह रहा है मंजुला, हम रुक जाते हैं। अब देखना, अब मधु तो क्या, उसके बाप को भी अगर सुधार नहीं, बाप बाप नहीं भाई, हाँ हाँ वही, उसकी माँ को भी अगर सुधार नहीं दिया तो हमारा नाम गोपी नहीं। आप शरीफ आदमी है ना, आपके साथ ऐसा होता ही रहता है। चल बेटा। डॉक्टर, she is newly married and got pregnant, but she doesn't want this child. Oh, if you want an abortion, you can come tomorrow if you like. But are you sure? To kill your first child is not a good thing. You can still make up your mind. Well, doctor, she doesn't get along with her husband, so she doesn't want this baby. Please try to understand. Okay. Thank you. ये औरत हमारे बच्चे को मार डालना चाहती है। अरे ये औरत थोड़ी है, राक्षस है, डाइन है, भगवान इसको बुद्धि दे। आप अंदर चलिए, हम डॉक्टर से बात करते हैं। Yes, please. Hello, doctor. Namaste. That girl who came just now, Madhu, she's my daughter. Yes. And he is her husband. And she doesn't like him. That's why she wants the baby to be aborted. Why doesn't she like him? Well, he's a simpleton from a village. So and what? And she's the daughter of a rich father from a higher society. So, you know, there is always a... एक मिनट, हम समझाते हैं। नमस्कार। आई गोपी। इंडिया से सिंगापुर तक कमिंग, हमारी वाइफ टेक बैक है, नाउ हमारी वाइफ इज आई लव एंड वाइफ लव, वो भी हमको प्यार करती है। यस हाँ, माय सासू जी प्रॉब्लम है, शी वॉन्ट्स टू किल माय बेबी। आई गोपी वाराणसी, इज्जत रिस्पेक्ट डाई है, इफ यू सेव माय चाइल्ड गॉड विल ब्लेस योर चाइल्ड है। आई नो वांट किलिंग, भगवान के लिए बोलिए ना आप। You understand what he means? I can see from his face what he means. Don't worry, my friend. I won't allow the abortion. बहुत 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 एहसान आपका। You see, nowadays बहुत ज्यादा गरीबी, lot of public poverty, problem बहुत कुछ। हमको कोई problem नहीं है। हाँ, I am big land, respect, everything village में। चलना बस हो गया, वो समझ गई, बच्चा नहीं गिराएगी, बच्चा बच जाएगा। अंग्रेजों के सामने क्या हिंदी बोलेगा? नहीं नहीं, thank you। God will bless your child also। अच्छा जी, जय हिंद। Thank you। हाँ, धन्यवाद। वो कमीना हॉस्पिटल तक पहुंच गया, न जाने उसने डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई, डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। इस कमबख्त से कब छुटकारा मिलेगा? Don't worry, just cool it down. मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा। कैसे, क्या करोगे तुम? मैं उसकी ऐसी हालत बनाऊंगा कि वो टिकट कटाएगा कोई बनारस का, and he will never ever come back to Singapore. ये कौन दुष्ट आत्मा है जो हमें कष्ट दे रही है? आओ प्यारे मोहन, हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाते। क्यों राजा? क्योंकि फिर तुम आराम से बनारस में जाके पूजा पाठ कर सकोगे। लेकिन बगैर मधुबालों को लिए हम सिंगापुर से नहीं जाएंगे यार। तो फिर हम तुम्हें सिंगापुर दिखाते हैं। यह है सिंगापुर की फुटपाथ, कैसी लगी?
अयूब ये देख 50 माले की बिल्डिंग कैसी लगी? किधर है अयूब? अबे क्या कर रहा है बे? लग रहा है बे? ये देख डिपार्टमेंटल स्टोर, सामान की इतनी बड़ी दुकान है इंडिया में। हाँ अबे नहीं है यार। अरे बाप रे भाई, अरे क्या को देखे यार, हावड़ा ब्रिज से छोटा है वो। झूम एक मिनट, तुमने हमको काफी सिंगापुर दिखा दिया, अब हम तुमको इंडिया दिखाएगा। तुम यहाँ इंडिया कैसे दिखाएगा यू इडियट? That is my headache, you bloody idiot. You bloody talk in English, huh? Yes, I can talk English when it is necessary. अरे ये काला तुम्हारे साथ है? अरे इसकी जात हमारे चल रहे बाजा ढोंडिया, चल रहे बाजा ढोंडिया, नीट सर उबरा नकाना खाले वाजन तक गड़बड़ करू नको निजाड़िया गड़बड़ करू नको 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 तिलना तिलना नित्यचंद्र तेना तिक तिक निंजल तिलना दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। You got the right punch, baby. आपकी जबान में इसे बिलर बेल्ट कहते हैं सर। हमें जिंदा देखकर तेरी नानी मर गई होगी ना रे। ये जिंदा वापस कैसे आ गया? मालूम नहीं कैसे आ गया। हमें मारने के लिए टटपुंजी गुंडे भेजे थे, का समझ कर कि गोपी कौनू हलवा है जिसको मुंह में डालोगे घचाक से पेट में चला जाएगा। अरे हमने गंगा घाट का पानी पिया है, हमें कोई नहीं मार सकता, और अगर कोई मार सकता है तो केवल एक आदमी, खुद गोपी। अरे नहीं गोपी बेटा, बात सुनो मेरी। हाँ बोलने सुनने के लिए बचा कहा है? अरे तुम सभी तो हमारे मरने की कामना कर रहे हो, ना सास हमारी, ना ससुर अपना, ना वो मधु हमारी। अरे हम तो उसी दिन मर गए थे जब हमारी पत्नी ने हमें पति मानने से इनकार कर दिया था। एंड आई इट इज नाउ आई डोंट फील लाइक लिविंग, तो सोच रहा हूं कि जब मैं मर रहा हूं तो तुम लोगों को भी क्यों ना मार के मरूं। मगर फिर सोचता हूं कि जाने दो। हाँ, ये ठीक है ना, अकेला ही चला जाता हूं, इसीलिए हे भगवान आई एम कमिंग। जय श्री राम। हम जा रहे हैं बुढ़ाइन, मगर इतनी खुश मत हो, हमारी आत्मा भूत बनकर तुम्हारे आस पास मंडराएगी। ओह माय गॉड, ये तो सचमुच मर गया। ये नहीं मरा, हम लोग मर गए। आपको सोचो ना। क्या सोचूं? अब तो डायरेक्ट फांसी है तुमको, सिंगापुर में फांसी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। देखो कुछ करो, तुम मेरे अच्छे पति हो ना। पति? तुमको आज याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ मर्डर करने के बाद? प्लीज। अच्छा अच्छा देखो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसकी लाश को डिक्की में डाल के कोई भी ठिकाने में लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम मेरी मदद करो, मगर दोबारा ऐसा नहीं करना, बहुत हो गया, तुम्हारा बचना तो मुश्किल है, पुलिस पकड़े तो मेरा नाम मत लेना। मैंने क्या किया है मगर? सचमुच मर गया है? नहीं, वो आखिरी सांस ले रहा था ना तो फड़फड़ा रहा था। जल्दी से यहाँ से हटाओ ना इसे। हटाओ? अच्छा जल्दी हटाओ ना। हटाता हूँ, तुम हटो। अरे थोड़ी मदद करो ना। कमाल के उतार के लाश की टांग नहीं टूट जावे।
मैं चलता हूँ, वो बहुत डर गई है, कहीं घबराहट के मारे उसको हार्ट अटैक नहीं आ जावे। क्या करता है यार? क्या हुआ? मैंने उसकी लाश को इतनी ऊंचाई से फेंकवाया है कि अभी तक नीचे नहीं गिरी होगी। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। डोंट मेंशन। चलो, रात ज्यादा हो चुकी है, चल के सो जाएं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? भूत बनकर आया है। कौन भूत बनकर आ गया, किधर है? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुनो मैडम, वो भूत तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, और भूत सिंगापुर में नहीं इंडिया में होते हैं। हाँ, और भूत को सिंगापुर में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकता। सो जाओ यार, बाबा का नींद खराब कर। मजे की नींद आ रही थी। अरे किधर है, क्या हुआ? गोपी का भूत मेरे सामने है। किधर है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखें खराब है, कुछ भी नहीं है। तुम आराम से सो जाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी। मेरा नाम है बनारसी, प्यार से लोग मुझे कहते हैं गोपी। तारर तारा तारर तारा तारर तारा रा रा रू या ए, पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है बनारसी, प्यार से लोग मुझे गोपी कहते हैं गोपी। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ कहो ना। लीला शीला इली मिली। लीला शीला इली मिली या लिली। मम्मी कहाँ है वो? कौन? वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मम्मी कुछ नहीं होगा। घबराने की कोई बात तो नहीं? नथिंग टू वरी, ये टैबलेट्स इनको देते रहिएगा, शील बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच। आंटी क्या बात है, मुझे बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, 24 घंटे उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है, फिर उसी के सपने भी देखती है। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से आप ताने देने से बाज नहीं आते। तानों का जवाब देता लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आराम करो। विक्की बेटे मुझे बहुत टेंशन है, अगर तुम्हारी शादी मधु से हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊं। मम्मी प्लीज। तू चुप रह, बोलना। आंटी आप जैसा कहेंगी वैसा होगा, एग्जैक्टली वैसा होगा। मधु बेटी एक ग्लास पानी लिया। विक्की मेरा तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए बंगला मोटर गाड़ी जायदाद फैक्ट्री सब तेरे नाम कर दूंगी। तू जल्दी से जाके कोर्ट से अपॉइंटमेंट ले ले, दो दिन में सिविल मैरिज हो जानी चाहिए। अब आंटी आपके आगे तो मैं बोल नहीं सकता ना, अब जैसी आपकी इच्छा। मैंने भी अगर दो दिन में इनको भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी चौबे नहीं। ससुर जी हम लोग कहाँ आ गए? कैसीनो है। ये कैसीनो क्या होता है? जुआ घर, यहाँ जुआ होता है। नहीं 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 नहीं, हमारे गोपी भाई को जुआ नहीं आता, वो हार जाएंगे। अरे मनु जब तू बोलेगा हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, जब तू बोलेगा हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। चलो चलो चलते हैं चाचू।
चलो भैया लगाओ यार। अरे ससुर जी आप बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कार हार गए। तो क्या हुआ, अभी ऑफिस बाकी है। अरे ऑफिस के बाद तो आप एकदम टाइट फिश हो जाए। कोई फिश नहीं होगा, बांटो। हाँ बांटो भाई, बांटो भाई। ये चाचू आप ऑफिस भी हार गए। अरे आज मेरा लक बहुत जोरों पर है, अब तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। फैक्ट्री लगी भाई। लगा भाई, लगा। अरे 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 ये भी गया। आप फैक्ट्री भी हार गए। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास है अभी। हाँ घर बचा है अभी। हाँ अच्छा हुआ याद दिला, घर लगी भाई, घर लगाओ यार। हार गया, ओ मैं हार गया। तुम कहाँ थे तुम रात भर? भूत, भूत। ये भूत नहीं है, ये यमदूत है। यमदूत? हाँ, हमें धोखा हुआ है। ये मरा नहीं, जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सर की कसम। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? इनसे कहो कि अभी घर इनका नहीं। माय माय। हाँ बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। ये ठीक कह रहा है लिली, रात को है ना मैं जुए में सब घर जायदाद प्रॉपर्टी से हार चुका हूँ। क्या? हाँ मैं रात को है ना कैसीनो बैठ के पी रहा था, तो अचानक ये मेरे सामने आके बैठ गया। कहने लगा क्या जुआ खेलोगे? मैं डर गया, फिर मैंने इसे टालने के लिए कहा अच्छा ठीक है मैं खेल लेता हूँ। मैं समझा भूत है, जीत भी जाएगा तो मेरे से क्या ले जाएगा। ये सब मुझसे जीता गया जीता गया। जब जीत गया तो बोलता मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मुझसे सब जीत गया, मैं हार गया। हारे तुम हो, मैं नहीं। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से इसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ए बुढ़ो, अपनी बुढ़िया से कहो कि अपना पोटली बिस्तरा उठाकर अपनी बिटिया के साथ आउट। व्हाट डू यू मीन? अरे बुढ़िया हमको मालूम है कि तुम बहुत नॉटी हो, इसलिए हम हमारे साथ सिंगापुर का कानून भी लेकर आए हैं। अरे अब मन चला। अरे तनिक नोटिस तो दिखा यार। मैं आया 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 आया। अरे आप भी आइए ना, और बताइए उस बुढ़िया को किस प्रॉपर्टी का मालिक ये नहीं है, मेरा दोस्त गोपी है। अरे बता ना यार। According to the country of the nature of the manipulation of the speculation of the Singapore government, this property belongs to Mr. Gopinath. अरे राम 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 राम, बड़े बेशरम लोग हैं भाई। इतनी बेइज्जती होने के बाद अभी तक यहाँ पर खड़े। अरे भाई निकली यहाँ से, वरना हमको जबरदस्ती धक्का देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम पे दया करो, हम आपके इन्हीं चरणों में पड़े रहेंगे। अरे पड़ जाओ ना नीचे। तुम पढ़ो, मैं क्यों पढ़ू? छोड़ो। अरे कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, बैठो नीचे। अरे निकालो यार। What happened मम्मी? तुम्हारे डैडी ने हमें कहीं का नहीं रखा, हमें बर्बाद कर दिया। इस गवार गोपी के हाथों हमारी सारी प्रॉपर्टी हार गए। क्या बोली? माफ कर दो, गलती हो गई, अनजाने में माफ कर दो। अरे जाने दो गोपी भैया, बनारस में कितने भिखारी आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इधर सिंगापुर में ये तीन भी पल जाएंगे, बच्चा कुच्चा इनको डाल लेंगे। मैं इन लोगों को माफ तो कर सकता हूँ अगर इन लोग मेरे हिसाब से रहे तो। बिल्कुल आपके हिसाब से रहेंगे। अरे बैठ जाओ ना, क्यों अपने घर में भिखारी बन के रहना चाहती हो? बैठो। हाथ जोड़ो हाथ। माफ किया। पीटर, फ्लोरी, सबके सब कहाँ मर गए? ए बुढ़िया, काहे इतना चिचिया रही हो? घर के सब नौकर कहाँ हैं? मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, जवाब दो भाई। नौकर निकाल दिए। निकाल दिए? हाँ। निकाल दिए? हमसे सवाल पूछ रही है, हा? इनका पोटली बिस्तर उठा के बाहर फेंकी? नहीं नहीं नहीं, हम बताते मालिक क्या है कि ये नींद में है, इसको याद नहीं कि अभी घर की मालकिन नहीं रही, नौकरानी होगी। क्या करती है? मालिक कहते हैं जब घर में दो मुस्टंडी औरतें हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिक कह रहे हैं, तो फिर नौकरों की क्या जरूरत है? इसलिए तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं घर का कामकाज नहीं करती। कैसे नहीं करोगी? खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। झाड़ू लाऊ? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे? दरवाजा सोच लो। सुनो, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती, अपने आप को समझता क्या है? शीला। हेलो आंटी। अच्छा तुम लोग आ गए, मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास ही आ रही थी। घर छोड़कर? बट व्हाई? ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये हमारी सारी जायदाद का वारिस बन बैठा है और हमें हमें सर्वेंटों की तरह ट्रीट करता है। शीला, मैं अपनी इज्जत नहीं कमा सकती। लिली, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि हम एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। दौलत नहीं रही तो कैसे कन्नी काट रहा है? क्यों बे? तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की? क्यों बे लप्पू झन्ने, उस दिन की मार भूल गया? चल कान खोल के सुन लो सासू जी, हियर आना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। शट अप।
रहेगी रहेगी जरूर रहेगी रहेगी ना है ना रहेगी ना मैं और मेरी बेटी इसके नौकर बनकर नहीं रहेंगे समझे इसके पोटली में बाहर फेंको क्या है तुम्हारी बेटी 10 बजे तक सोती रहती है मैं सब ठीक करता हूँ ये करेगी घर का सब काम करेगी खाना पकाएगी झाड़ू मारेगी गटर तक साफ करेगी है ना अरे हाँ बोलना पिटवाएगी क्या हाँ जोड़ के बोलने बोली ये समझ ले मेरा हाथ है तेरा नहीं हाँ बोल हाँ बोल ये हुआ देखकर हाँ क्या बोल रही है यहाँ देखकर बोलिए अच्छा ये लो कहा के बोलिए ना कितनी अच्छी लग रही है ये क्या है ये ऐसे गुस्से से कहा के बोल रही है प्यार से बोली हाँ चलो अपन चल के झाड़ू मारते हैं चलो हाँ डालो 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 वो भी डालो वो भी डालो पानी कहाँ है जग कहाँ है अभी 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 कभी तू भी खाना खा ले हमारे खानदान में औरतें पति से पहले खाना नहीं खाती रफ्ता रफ्ता सीख जाएगी अरे कभी सीख जाएगी आप खाना तो खाइए हाँ खा रहे बाप खाना किसने बनाया मैंने नहीं मधु बेटी ने बनाया है मधु बेटी ने बनाया नाचना गाना क्लबों में जाना सब सिखाया है खाना बनाना नहीं सिखाया सारा मूड खराब कर दिया गोपी भैया चलो बाहर जाके खाना खाते हैं किसी हिंदुस्तानी होटल में हाँ चलो 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 भगवान आपका भला करे लेकिन मुश्किल है कितने जंगली लोग हैं इतनी बेइज्जती करते हैं और तुम कुछ नहीं बोले हम तो नौकर हैं मालिक को क्या बोल सकते हैं चल बैठ बैठो मत नहीं तो मालिक डांटेंगे अरे हे अहिरे 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 और ले जाऊंगा तुझको
तुझको घुमाऊंगा झुमरी तलैया, तुझको घुमाऊंगा झुमरी तलैया, बदल गया कैसा मिला है जब रुपया। बना रे बम्बैया बनारस का भैया, बना रे बम्बैया, बना रे बम्बैया बनारस का भैया, बदल गया कैसा मिला है जब रुपया, बदल गया कैसा मिला है जब रुपया। चाची नहीं नहीं गोपी की चिट्ठी आई है। हाँ, गोपी की चिट्ठी। अच्छा मैं पढ़ती हूँ मैम। अच्छा तू पढ़ जल्दी जल्दी पढ़। माँ चरण स्पर्श। ठीक है बहुत याद आती है तेरी। सच हम जानते हैं कि तुम भी हमारी याद में रात दिन परेशान रहती होगी। वो तो रहती है, का करे माँ, अपने देश से अपने गांव से दूर इसलिए तो आए हैं ताकि हम अपने और अपने गांव की इज्जत को वापस ला सके। वाह। और हाँ माँ, ये मनचला हमसे कह रहा है कि मन्नू को उसकी तरफ से बहुत प्यार। तू का है शर्मा रही है, आगे पढ़। पढ़ो ना। और माँ एक खुशखबरी भी सुन ले, तेरी बहू माँ बनने वाली है और तू दादी। अरे मधु मधु सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। मम्मी डोंट वरी माय चाइल्ड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई एम विद यू। वेट हियर प्लीज, वेट हियर। Congratulations, it's a baby boy. अरे आप रुक जाइए भैया, आपको तो देखना ना देखना ही रहता, हमको अपने बेटे को देखने दो भाई। You know, मैं तुम्हारे बेटे को देखने नहीं जा रही हूँ, अपनी बेटी को देखने जा रही हूँ। अरे आप अपनी बेटी को बाद में देख लीजिएगा, इनको एक दिन के लिए रोक लीजिए, इनकी छाला पड़े तो हाथ जोड़ते हैं भैया। हर महादेव। तुम जीत गई, हम हार गए। हमने बहुत कोशिश की तुम्हें मनाने की मगर तुम में सुधार नहीं आया। हमने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, तुम्हें तुम्हारी दौलत और तुम्हारा सिंगापुर मुबारक हो। हम अपने बच्चे को लेकर हिंदुस्तान जा रहे हैं, अपने घर अपनी माँ के पास। शीला लिली एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या यार हमारे रास्ते का कांटा खुद निकल गया, वो बच्चा अपने साथ ले गया और हमारी सारी जायदाद हमें वापस कर गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तुमने क्या सोचा है? अरे इसे सोचना क्या है, विक्की और मधु की शादी। हेलो हेलो लिली, हेलो लिली, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मधु बेटी कहाँ जा रही हो? इंडिया। इंडिया? पागल तो नहीं हो गई? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे अपने बच्चे के पास जाने दो। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, जन्म देने के बाद अपने बच्चे की सूरत तक न देख सकी। नादान मत बनो, बड़ी मुश्किल से उस गवार से पीछा छूटा है, रहा बच्चे का सवाल, विक्की के साथ शादी के बाद दूसरे बच्चे पर प्यार लुटा देना। वाह 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 वाह, क्या माँ है, अपनी इज्जत को पूरा करने के लिए अपनी बेटी का भी घर बर्बाद करने से बाज नहीं आ रही। अरे तुम तो कभी अच्छी माँ बन नहीं सकी, कम से कम अपनी बेटी को अच्छी माँ बन जाने दो। तुम चुप रहो जी। मैं सारी जिंदगी चुप रहा लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि आज चुप रहा तो मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। जब बेटी नहीं जाएगी, ये जाएगी। मैं इसे नहीं जाएगी।
बहुत शौक था ना तुझे शादी करने का, आज तेरे सारे अरमान पूरे हो रहे हैं। चल हट, आज बड़ा मजा आएगा इसे। सब तैयारी हो गई? हाँ। पंडित जी भी आ गए। हाँ। गोपी भैया कहाँ है? तैयार हो रहे हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। रानी उई। नहीं 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 बेटे, नहीं रोते, दूध पी ले, दूध पी ले बेटे। ओहो चुप हो जा, अच्छे बच्चे चुप हो जा। क्या हुआ शांति बहन, बच्चा क्यों रो रहा है? क्या करूँ, 8 दिन का बच्चा है ये, इसे बहुत भूख लगी है, इसे तो माँ का दूध चाहिए। लेकिन मैं पिला दूँ? रुक जाओ माँ, इस औरत की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहता अपने मुन्ना पर। अगर इसका दूध मेरे बच्चे के रोगों में चला गया तो ये भी इसी की तरह बदतमीज और निर्लज्ज हो जाएगा। इतना जुल्म मत करो गोपी, एक माँ से उसके बच्चे को दूध पिलाने का अधिकार ना छीनो। अधिकार? अधिकार बहुत से होते हैं, पति का पत्नी पर, सास का बहू पर। हाँ एक और अधिकार होता है, माँ का बेटे पर, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है। मगर उस दिन वो अधिकार कहा गया जिस दिन तुम अपनी माँ के साथ मेरे इसी बच्चे को गिराने के लिए अस्पताल गई थी। उस वक्त इसकी जान हमने बचाई, इसलिए इस पर केवल हमारा अधिकार है। अरे पूरा बनारस जानता है कि इस बनारसी बाबू का सर झुका नहीं कभी किसी के सामने। मगर उस दिन हम उस डॉक्टर के कदमों में गिर गए, हमने उनसे कहा कि डॉक्टर ये हमारे खानदान का चिराग है, इसकी जान बचा लो। तब जाकर यहाँ पर, और आज तुम अधिकार की बात करती हो, बहुत अच्छे। ऊपर वाले से डरो गोपी, एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना बहुत बड़ा पाप है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। माँ माँ तो इसके मगरमच्छ के आंसू पे मत जा माँ, तू 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 मेरा बच्चा छुपा देना माँ। गोपी तू पागल हो गया है क्या? अरे यह हक सिर्फ मधु का नहीं है, ये तो बच्चे का हक है, क्योंकि ये तो भगवान ने तय किया है कि माँ के दूध पर सिर्फ बच्चे का अधिकार होता है। ले ले बहू। गोपी भैया, ओ गोपी भैया, पंडित जी कह रहे हैं कि शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप कृपा करके जल्दी करें। नहीं ये शादी नहीं हो सकती। देखो ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें मत करो, जो बात करनी शादी की बात करना, समझी? अगर आपको शादी करनी है अपने बच्चे को लांग कर कीजिए। गोपी क्या देख रहा है, बच्चे को उठा? गोपी ना ही हम अपने लल्ला जी को लांगेंगे और ना ही ये शादी रुकेगी। पकड़ो माँ। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों, आप सबके सामने इसने मुझसे शादी की थी, मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे भी लिए थे, मेरी मांग में सिंदूर भी भरा था, और आज आज ही किसी और की मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। सिंदूर का मतलब समझती हो? वो मांग में क्यों भरा जाता है? माथे की बिंदिया का मतलब समझती हो? गले के मंगलसूत्र का मतलब समझती हो? हाथ की मेहंदी का मतलब समझती हो? इस कंगन का मतलब समझती हो? पाँव की पाजेब का मतलब समझती हो? इस बिछुए का मतलब समझती हो? हाँ ये सच है कि हमने इसके साथ साथ फेरे लिए थे, मगर ये 7 कदम भी हमारे साथ नहीं चल पाई और उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे माँ की इज्जत, बड़ों का आदर, सत्कार संस्कार हर चीज ताक पर रख दी, और पति को तो कुत्ता बना दिया, डॉग। हमसे कहती है कि हम गवार हैं, अरे हम तो कहते हैं कि हम हैं गवार, देसी भारतीय, खाटी बनारसी। मगर आप लोग क्या है, है? ये विदेशी सॉन्ग रचने वाले अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न।
कोई प्लस पॉइंट तो लिया नहीं, पूरी दुनिया पर राज किया उन लोगों ने। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में दारू की बॉटल, होठों पे लाली, मुंह में गाली, हाय मम्मी, हाय डैडी, बाय पति। अपने आंखों के ऊपर विदेशी चश्मा लगाकर ये लोग हमसे पूछते हैं कि तू कौन है। अरे हम लोग आपसे पूछते हैं कि आप कौन है। देसी नहीं, विदेशी नहीं, अनाथ है, अनाथ और फान। गोपी मुझे माफ कर दो, और कितना जलील करोगे। देखो मिसेस गोपी, हमारी रगों में हमारी माँ का दूध और शुद्ध गंगा जल बह रहा है, इसीलिए हम जीवन में किसी भी पद पर डगमगाते नहीं। एक बार शादी की है जीवन में, बार बार नहीं करेंगे। मन चला yes, boss। दूल्हे को लेकर आ रहे मेड इन इंडिया। वो देखो हाँ। अरे बस करो बस करो, अभी हम तुमको कभी नहीं रुलाएंगे। देखा माँ जीती रहे, मैं ना कहता था। अच्छा तू कहता था तू? अरे क्या यार, शादी हो रही है, सब लोग क्या रोनी सुनो लेकर बैठे हो। अरे धमाल करो, मस्ती करो, एंजॉय करो यार। कौन है? आज से 25 साल पहले मेरी इनकी शादी हुई थी। ये सारी जिंदगी मेरी वाइफ बनी रही, आज मेरी पत्नी बनी। क्या बात कर रहे हैं? पाए लागू सासू जी। सासू माँ? अरे हाँ, ये तो बदल गई। बदल गई हैं? हटिए तनी देखे। Sai sai, sun 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 sai sai, ho rahi thi rehta.